आज हम आपकी बुक कृतिका भाग दो के अगली कहानी को पढ़ेंगे, जार्ज पंचम की नाक बाय कमलेश्वर। ये एक व्यंगात्मक स्टोरी है जिसमें ये दिखाया गया है कि भले ही जो भारत है वो अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है, लेकिन जब भारत में रहने वाले जो सरकारी तंत्र है वो सुनते हैं कि रानी एलिजाबेथ इंडिया आने वाली हैं, तो उनके स्वागत के लिए वो एक नकली नाक के पीछे इतने परेशान होते हैं और ये भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने ये आज़ादी पाई है। तो अब हम ये पढ़ेंगे जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई। आप किताब देखेंगे और समझेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक थोड़ी न था, तो था नहीं, जमाना चुकी नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इस फर्स्ट पैरा में कमलेश्वर जी यह बताते हैं कि ये चर्चा हो रही थी, जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली हैं, और लंदन के अखबारों में हमेशा ये खबरें आती रहती थी कि यहाँ भारत आने के लिए उनकी क्या क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ थी वो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर भी जाने वाली थी। तो वहाँ उनका जो टेलर था यानी कि दर्जी, वो इस बात के लिए परेशान था कि रानी के लिए कब किस मौके पर पहनने के लिए कौन सी ड्रेस बनाई जाए, और क्योंकि महारानी थी तो उनके आने के पहले ये भी देखना था उनके सुरक्षा सलाहकारों को कि उनके आने से इंडिया में कोई दिक्कत तो ना हो, यानी महारानी के ऊपर कोई आँच ना आए। और ऐसा तो था नहीं कि रानी लंदन से आएंगी तो अपने साथ फौज और सेना लेके आएंगी, क्योंकि मॉडर्न ज़माना था तो उनके साथ कई सारे फोटोग्राफरों का भी जत्था आने वाला था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कितने बड़े व्यंग की बात है, जहाँ पे भारत की जनता भूखों मर रही थी, खाने को तरस रही थी, हमारे अखबार में इस बात की चर्चा होती थी कि जो महारानी है कि उन्होंने नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका कपड़ा उन्होंने हिंदुस्तान से मंगाया है और जिसको बनाने में उनको 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। अब अखबार में, वहाँ लंदन के अखबारों में ये छपता था कि रानी एलिजाबेथ की जीवन पत्री क्या थी, यानी उनकी जो अब तक की लाइफ थी उसमें क्या क्या हुआ है, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपते थे, और उसके अलावा उनके महल में रहने वाले नौकर, बावर्ची यानी जो कि खाना बनाते थे, खानसामो, अंगरक्षक यानी कि बॉडी गार्ड, और यहाँ तक कि उनके कुत्तों के बारे में भी अखबारों में छपा करता था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अब क्या कह रहा है, कमलेश्वर जी ने बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि महारानी रह तो इंग्लैंड में रही थी, आना उनको हिंदुस्तान दौरे पर था, लेकिन वहाँ की सारी तैयारियों की खबर हमारे हिंदुस्तान में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, नहीं दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख था, मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। क्या कह रहे हैं कि इन खबरों से हमारे अखबारों में सनसनी, यानी कि रोज़ बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ न्यूज आती रहती थी, और इस वजह से हमारी जो राजधानी दिल्ली है उसमें तहलका यानी हर समय शोर मचा रहता था कि जो रानी है वो 5,000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, और
अब अगर इतनी बड़ी महारानी इतने शान शौकत के साथ आ रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके शान शौकत में कोई कमी ना रह जाए, आवाभगत में कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि जिनके बावर्ची तक लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और उनकी शान शौकत इतनी बड़ी है, तो हम इंडिया यानी हम भारतीय लोग कैसे पीछे रहें। लेकिन इस बात को सोचकर दिल्ली यानी दिल्ली में रहने वाले लोग, जो बड़े बड़े सरकारी तंत्र के लोग थे, वो सोचने लगे। तो इसी बात को इंडिकेट करते हुए कमलेश्वर जी ने कहा, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। यानी उन्होंने एक शायरी कही कि कितने मतलब ये खुदा की मेहरबानी है, ऊपर वाले का करम है कि इतनी बड़ी महारानी जो हैं वो हमारे घर पे आ रही हैं। अब हमारे घर यानी दिल्ली आ रही हैं, और दिल्ली की तो कायापलट होनी चाहिए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी अब दिल्ली दिल्ली की कायापलट होनी थी। तो लेकिन इस बात को लेकर किसी ने किसी से चर्चा नहीं की, किसी ने किसी को काम करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन क्या हुआ, जो दिल्ली थी ना, वो पूरी तरह से बदल गई थी। यानी बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी वहाँ की सारी बिल्डिंग्स जो थोड़ी जिनकी पेंटिंग्स धुंधली हो गई थी, उनको वापस से पेंट किया गया। तो इसके लिए कहा गया कि इमारतों ने नाजनीनों नाजनीनों यानी जो औरतें होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, तो दिल्ली के महलों को यानी बिल्डिंगों को औरतों की तरह। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब आप देखिए कमलेश्वर जी ने कितने व्यंग्यात्मक तरीके से ये बात कहने की कोशिश की कि दिल्ली ने सब कुछ तो कर लिया, दिल्ली ने अपनी काया पलट कर ली। अब जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब ये भाई साहब जॉर्ज पंचम कौन है? जॉर्ज पंचम जो हैं वो महारानी एलिजाबेथ के दादा थे। अब उनकी जो स्टैचू थी ना, उसकी नाक किसी ने तोड़ दी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान थी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो अब ये जॉर्ज पंचम की नाक की जो दास्तान है यानी स्टोरी है, वो भी बड़ी लंबी है। मतलब इस नाक को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां थी उस समय, उनमें बहुत हलचल हुई थी, बहुत बहस हुई थी। सब ने इस पे इसको बनवाने को लेकर चंदा इकट्ठा किया था, बहुत भाषणबाजी हुई थी, लोगों ने अपने तर्क वितर्क रखे थे। कोई पक्ष में था, कोई अपोजिशन में यानी विपक्ष में था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोनों तरफ जो कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहता था। अब इस पैरा में क्या कह रहे हैं कि ये मूवमेंट यानी आंदोलन चल रहा था, तो जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू थी उसकी सुरक्षा के लिए जो है पहरेदार लगाए गए थे। और क्या मजाल थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहीं भी मूर्तियां लगी रहती हैं तो कुछ शरारती तत्व जो होते हैं जाके उस पे या तो कालिक पे फेंक देते हैं या किसी पार्ट को तोड़ देते हैं। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए निगरानी में रखा गया था उनकी मूर्ति को। और क्या कहा गया, हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। यानी ऐसी नहीं है कि जॉर्ज पंचम की ही मूर्ति थी, हिंदुस्तान में कई सारी और भी मूर्तियां थी, और उन मूर्तियों तक जिन लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहता था, और कहीं कहीं तो इन मूर्तियों के लिए बवाल मच जाते थे। यानी इतने झगड़े होते थे जैसे कि मान लो पहले के समय में गुरिल्ला लड़ाइयाँ होती थी। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने पहरेदारों के बीच में भी जॉर्ज पंचम की नाक कोई तोड़ के ले गया।
रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यहाँ नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब क्या हुआ भाई, एलिजाबेथ आ रही थी और प्रॉब्लम थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रह गई। सारे बड़े बड़े नेता लोग आए, उनकी मीटिंग बुलाई गई, बहस किया गया, चर्चाएं हुई कि अगर नाक नहीं रहेगी तो क्या होगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब भाई बहस हुई, चर्चा हुई, तो ये डिसाइड किया गया कि किसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और जॉर्ज पंचम की नाक को वापस से लगा दिया जाता है और उसके बाद मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब मूर्तिकार आया, सारे सरकारी तंत्र के लोग वहाँ बैठे हुए थे। मूर्तिकार ने उन सब के चेहरे को देखा, सब बहुत उदास थे, लाचार थे और उसके अलावा जो मूर्तिकार था उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। तभी मूर्तिकार ने एक आवाज़ सुनी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। मूर्तिकार भी हाजिर जवाब था, उसने कहा, जी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि जो ये मूर्ति बनी थी, ये जो इसके पत्थर, जिस पत्थर से मूर्ति बना है, वो कब आया था और कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब सारे बैठे लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक ने दूसरे को इशारे से बोला कि ये करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उसने एक क्लर्क को फ़ोन किया और ये कहा कि इस मूर्ति के बारे में सारी जो भी डिटेल है उसे बताई जाए। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मूर्तिकार की बात सुनकर तो जो सारे हुक्मरान थे यानी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को इशारे से कहा और उसने फिर क्लर्क को यानी पुरातत्व विभाग में फ़ोन करके ये कहा कि सारी डिटेल बता के दो कि इस मूर्ति को कब बनाया गया और कैसे बनाया गया। लेकिन थोड़ी देर में खबर आई क्या कि मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी पुरातत्व विभाग की तरफ से ये संदेश आया कि जो भी डिटेल थी वो अब खत्म हो चुकी हैं, कोई जानकारी नहीं है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब जैसे कि ये पता चला कि मूर्ति के बारे में कोई भी डिटेल अब उपलब्ध नहीं है तो जो सारे हुक्काम थे उनके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी का आयोजन किया गया यानी एक कमेटी बनाई गई और उनको ये काम दिया गया कि इस मूर्ति पे जो नाक लगनी है उसे
बनाने की जिम्मेदारी, बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर मूर्तिकार भाई साहब को बुलाया गया तो उसने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं है, बना तो यहीं के पत्थर से है, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाऊंगा और पता कर लूंगा कि ये मूर्ति किस पत्थर से बनी है। तो ये बात सुन के कमेटी के जो लोग थे उनकी जान में जान आ गई, उन्होंने चैन की सांस ली और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान है यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उसे खोजने की और इसका फल हमें मिलेगा, ये हिंदुस्तान बहुत खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। अब कुछ दिनों की मेहनत के बाद मूर्तिकार लौट आया और उसने बड़े हताशा भरे शब्द में कहा कि हिंदुस्तान का उसने हर एक कोना ढूंढ डाला लेकिन ये मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है वो कहीं नहीं है और फाइनली ये जो मूर्ति है ना ये विदेशी पत्थर से बनाई गई है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब उस कमेटी के जो चेयरमैन थे सभापति मूर्तिकार की इस बात को सुनते ही उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा कि लानत है आप पर, हमने सारी चीज़ें विदेशी अपना रखी है, हमारा सोच हमारा तौर तरीका दिल दिमाग, यहाँ पर बाल डांस मिल सकता है तो इस पत्थर की मूर्ति क्यों नहीं मिल सकती। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो मूर्तिकार ये बात सुनकर डर गया, फिर उसने सभापति जी से कहा कि मेरे पास कुछ सुझाव है लेकिन बस एक वादा चाहता हूँ कि ये ना बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई, चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो मूर्तिकार भी बहुत पहुंचे हुए थे चीज़ से, उन्होंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक ही मूर्ति लगी है, हमारे देश में जगह जगह हम बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं तो उस मूर्ति में से किसी नाक को जो कि इस पर फिट होगी वो ला के लगा दी जाए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक छड़ की बधावासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, सभापति और बाकी सारे लोगों ने जब ये बात सुनी तो पहले तो वो थोड़े बदहवास से बेचैन से थे लेकिन उनको बाद में रिलाइज हुआ कि नहीं शायद यही एक आखिरी उपाय है तो उन्होंने मूर्तिकार से कहा ये काम करना लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवसर जी, जहांगीर सबकी नाक उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोखी और फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब मूर्तिकार को देश दौरे का काम मिल गया था क्योंकि उसे देश में लगी जगह जगह मूर्तियों को जॉर्ज पंचम की नाक से मिलाना था तो वो मतलब भारत की सारी दिशाओं में गया, यूपी से लेके पंजाब से लेके मद्रास की तरफ, लेकिन कोई भी जो नाक थी ना वो जॉर्ज पंचम की नाक से मैच नहीं हुई। फिर वो हताश होकर वापस लौट आया।
सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ठंडस बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाएं। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। तो जो मूर्तिकार है ना, उसने कहा कि आप ये कह रहे हो, मैंने तो क्या कहते हैं, जब सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की जो मूर्तियां लगी थी बिहार सेक्रेटरिएट के सामने, मैं वहां भी गया था, लेकिन उसकी नाक भी जो जाट पंचम की नाक थी वो इससे कहीं बड़ी बैठती थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जाट पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जाट पंचम के नाक न लग पाए तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या का मतलब, या तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब राजधानी में महारानी एलिजाबेथ के आने की सारी तैयारी हो गई थी। उसी तैयारी के अंतर्गत जाट पंचम की मूर्ति को धुलाया गया, नहलाया गया, रंग रोगन किया गया, बची तो रह गई केवल उनकी नाक। अब ये बात फिर शहर के बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बहुत खलबली मची कि जब जाट पंचम की नाक ही नहीं रहेगी तो फिर स्वागत का क्या फायदा, ये तो भारत की नाक कटने वाली बात हो गई है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार भी पैसे से लाचार थे, तो उसने एक सजेशन दिया कि एक क्या करते हैं, अभी जो हमारी जनसंख्या है, आबादी जो है वो तकरीबन कितने करोड़ की है, 40 करोड़ की, तो क्यों ना इस 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। तो सभापति ने जब ये बात सुनी, तो ये बात सुनते ही क्या हुआ, सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन सबको घबराया हुआ देखकर जो मूर्तिकार है वो भी थोड़ा अचकचा गया। लेकिन उसने धीरे से कहा, आप लोग घबराइए नहीं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप इजाज़त दे दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे गई, यानी सारे लोगों ने विचार विमर्श किया और फाइनली मूर्तिकार को कहा गया कि ठीक है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट के नाक लग रही है। अखबारों में भाई सूचना आनी थी, तो इसीलिए केवल इतना छपा कि जाट पंचम की नाक लग रही है और राजपथ, जो कि राजपथ के इंडिया गेट पर है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब मूर्तिकार ने सजेस्ट तो कर दिया था कि किसी की नाक, जिंदा व्यक्ति की नाक इसमें लगा दी जाए, तो इस वजह से वापस से मूर्ति के आसपास हथियारबंद पहरेदारों की नियुक्ति की गई ताकि इस बार ऐसा कुछ ना हादसा हो जाए कि जो जाट पंचम की नाक नकली है या असली है, इस बात की खबर मीडिया तक ना आ जाए। उसकी रवाब निकाली गई, यानी जिस जगह पे उसकी मूर्ति को रखा गया था वहाँ ताज़ा पानी डाला गया, और इस बात की खबर जनता को नहीं होनी थी कि जो मूर्तिकार है उसने ये सलाह दे रखी है। सारी तैयारियां गुपचुप तरीके से अंदर अंदर चल रही थी, क्योंकि जो रानी है उनके आने का दिन करीब आता जा रहा था और मूर्तिकार जो था वो खुद अपने बताए तरीके में फंस गया था।
जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, मतलब फिर फाइनली उसने कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी उसने कमेटी वालों से बोला और वह उसे दे दी गई। लेकिन उसको साथ ही साथ इस बात की चेतावनी दी गई कि इस नियत तारीख तक नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जार्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जार्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब फाइनली जार्ज पंचम की नाक लग गई और अखबारों में ये खबर छपी कि जो जार्ज पंचम की नाक है ना, वो वास्तव में असली है, मतलब देखने में एकदम वास्तविक लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुध के लिए। अब इस सब चीज़ों के बीच में एक बात जो की है ध्यान देने वाली, उस दिन जब अखबार छपे, यानी उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, जब मूर्ति में नाक लग गई, तो ये बात तो बड़े जोरों शोरों से प्रकाशित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी जगह कोई इनाग्रेशन यानी कोई फीता नहीं काटा गया था, कोई पब्लिक मीटिंग यानी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, यानी सारे अखबार खाली थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? फाइनली हम हिंदुस्तानियों ने, यानी उस समय उन सरकारी तंत्र के लोगों ने भारत की साख बचाने के लिए उसी चीज़ को दोहराया जिसको करने के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उस महारानी के स्वागत के लिए उन्होंने अपनी नाक वापस से कटवा दी।